Hello all, welcome to the video lecture series of Integrated Circuits. Subject code is KEC501 and here we are in lecture number 14. So previous lecture में हम लोगों ने अब तक क्या cover किया है, हम लोग बात कर रहे हैं इसमें filter के बारे में, active filter के बारे में, और यहाँ हम लोगों ने cover कर लिया है low pass filter क्या होता है, high pass filter क्या होता है, what is the first order, second order, low pass filter. और मेनली जो हमने इनमें कवर किया है, दिस इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम, कि इनका डायग्राम क्या है, बेसिकली सर्किट क्या है लो पास हाई पास के लिए, या ट्रांसफर फंक्शन क्या है, या फिर हमने बात की थी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, व्हाट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ बोथ द लो पास एंड हाई पास. एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने अभी कवर की है, दैट इज द डिजाइनिंग पार्ट, डिजाइनिंग ऑफ योर लो पास एंड हाई पास फिल्टर. सो अगर आपने डिजाइनिंग अभी तक नहीं करी है, या अभी आपको कम याद है कि लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर को हमने कैसे डिजाइन किया था, सो इस लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप एक बार बैक जाएं मेरे अदर वीडियोस पे और उनको आप देख लें, क्योंकि अगर आपको लो पास हाई पास याद होगा, हाउ वी डिजाइन द फर्स्ट ऑर्डर लो पास एंड हाई पास फिल्टर, सो वी कैन ईजिली डिजाइन अवर नेक्स्ट फिल्टर, दैट इज द बैंड पास फिल्टर जो हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं, हम उसे ईजिली डिजाइन कर पाएंगे. ओके, सो चलिए इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज अ बैंड पास फिल्टर. बैंड पास फिल्टर क्या है, बैंड पास फिल्टर की हम बात करेंगे, देन उसमें बात करेंगे व्हाट इज द बैंडविड्थ, देन सम स्मॉल डेफिनेशन, और आप कह सकते हैं स्मॉल टॉपिक्स रिलेटेड टू योर बैंड पास फिल्टर, दैट इज व्हाट सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, एंड देन वी विल डिजाइन द अवर बैंड पास फिल्टर विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज बैंड पास फिल्टर. As the name defined, this is a band pass. यानी कि इसको एक particular band, एक band, band को pass करना है. Band means a range of frequencies. Band means a range of frequencies. ठीक है, एक particular range of frequencies को pass करना है. और कौन सी range को pass करना है, that lie within a band between lower cutoff and higher cutoff frequency. Means lower cutoff और higher cutoff frequency के बीच के range को आपको pass on करना है. So, ये बीच की रेंज पास होगी और इसके बाद कोई रेंज पास नहीं होगी, इससे पहले कोई रेंज पास नहीं होगी. दैट मीन्स ये भी स्टॉप बैंड है, ये भी स्टॉप बैंड है, और ये मेरा पास बैंड है. ठीक है, अगर मैं एक रिस्पॉन्स की बात करूं तो दिस इज माई पास बैंड, दिस इज माई स्टॉप बैंड एंड स्टॉप बैंड. सो इस बैंड पास फिल्टर के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, या आप कह सकते हो बीपीएफ बैंड पास फिल्टर के रिलेटेड हम कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, कुछ पैरामीटर्स नोन कर सकते हैं. व्हाट आर द पैरामीटर्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्क कर सकते हैं बैंडविड्थ. व्हाट इज द बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ हो जाएगा द रेंज बिटवीन द हायर एंड द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. FH और FL के बीच का जो ये डिफरेंस हो जाएगा, इसी चीज को हम बोलते हैं बैंडविड्थ. सो बैंडविड्थ इज बेसिकली व्हाट, द डिफरेंस बिटवीन FH एंड FL, और जहां पे जनरली हमारा FH जो है लोअर कट ऑफ से ज्यादा ही रहेगा, इज नोन एज द बैंडविड्थ ऑफ द बैंड पास फिल्टर एंड इज गिवन एज बैंडविड्थ इज इक्वल टू FH माइनस FL. द अनदर डेफिनेशन, दैट इज योर सेंटर फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द सेंटर फ्रीक्वेंसी, तो सेंटर फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूं, तो हमने बैंड पास फिल्टर बोला कि ये हमारा बैंड है जो कि बेसिकली पास ऑन हो रहा है. सो दिस इज माई FL एंड दिस इज माई FH. तो यहां पे एक सेंटर पॉइंट होगा जहां पे जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, सेंटर फ्रीक्वेंसी, यानी दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसी, सेंटर पॉइंट की फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी एट द सेंटर ऑफ द पास बैंड इज कॉल्ड द सेंटर फ्रीक्वेंसी एंड इज डिवाइडेड बाय एफसी. नाउ रिमेंबर दिस, एफसी इज नॉट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि हमने बात की थी लो पास हाई पास फिल्टर में हम हर जगह कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं. सो सी का मतलब यहां पे कट ऑफ से मत समझिएगा, सी का मतलब यहां पे क्या है, सेंटर फ्रीक्वेंसी. सो एफ सी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ एफ एच डॉट एफ एल. इस फॉर्मूले के थ्रू मैं एफ सी को कैलकुलेट कर सकता हूं. नाउ बाय यूजिंग दिस दीज टर्म, बैंडविड्थ और जो सेंटर फ्रीक्वेंसी की हमने बात करी, इनकी हेल्प से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे कैलकुलेट होता है, दिस इज कॉल्ड द क्वालिटी फैक्टर. What is that quality factor? This is used as a measurement of selectivity of a filter and is defined as the ratio of center frequency to the bandwidth. Calculate kaise karna hai? Center frequency with respect to bandwidth. But important kyun hai? Because this gives me the measurement of the selectivity of the filter. Ab selectivity kya hai? Selectivity hai, humne bola filter kya karta hai? Filter ko ek selective area ko pass on karna hai. Filter ko ek selective range of frequency ko pass on karna hai. To agar मेरा क्वालिटी फैक्टर अच्छा है, डैट मीन्स मेरे फिल्टर की सिलेक्टिविटी अच्छी है, डैट मीन्स कि वो
उसी रेंज को पास ऑन कर रहा है जिस रेंज के लिए वो डिजाइन हुआ है. अदरवाइज अगर सपोज मैं कहता हूं आपको 1 से 2 kHz के सिग्नल पास ऑन करने हैं और आपका फिल्टर जो आपने बनाया 1 से नीचे के भी थोड़े सिग्नल पास ऑन करता है और 2 से ऊपर के भी सिग्नल पास ऑन कर रहा है, तो मैं बोलूंगा उसकी सिलेक्टिविटी पुअर है. ओके, सो अगर स्ट्रिक्ट रेंज को फॉलो करता है आपका फिल्टर तो हम बोलते हैं सिलेक्टिविटी अच्छी है. उसी सिलेक्टिविटी को मेजरमेंट किस फैक्टर के थ्रू कर रहे हैं, दैट इज अ फैक्टर कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर डिफाइंड बाय FC बाय बैंडविड्थ. वेर FC हमारा क्या था, सेंटर फ्रिक्वेंसी, और BW इज कॉल्ड बैंडविड्थ, दैट इज कैलकुलेटेड बाय FH माइनस FL. अब इसी क्वालिटी फैक्टर के बेसिस पे हमारा बैंड पास फिल्टर 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है. 1 इज कॉल्ड द वाइड बैंड पास फिल्टर एंड 1 इज कॉल्ड द नैरो बैंड पास फिल्टर. अब वाइड बैंड पास का मतलब क्या हुआ, जिसकी बैंडविड्थ बड़ी है, वाइड है, वाइडर. तो अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ वाइडर बैंडविड्थ है तो क्वालिटी फैक्टर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए. और अगर मैं बोलूंगा बैंडविड्थ लोअर है यानी कि नैरोअर है तो हमारा क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होना चाहिए. तो बेस्ड ऑन द क्वालिटी फैक्टर वी कैन डिवाइड द बैंड पास फिल्टर इनटू 2 कैटेगरी. इफ द क्वालिटी फैक्टर इज लेस देन 10, यानी कि क्वालिटी फैक्टर कैसा है, लेस है, क्वालिटी फैक्टर कैसा है, लेस है, तो हमारा फिल्टर क्या कहलाएगा, वाइड बैंड पास फिल्टर. एंड इफ माई क्वालिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 10, यानी कि क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, मेरा बैंड पास फिल्टर कहलाएगा नैरो बैंड पास फिल्टर. दीज आर द सेम थिंग जो कि हमने वहां पे लो पास में, जैसे हमने बात की है लो पास और हाई पास में कि फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है. नाउ वी हैव द सेम थिंग कि हमारे पास वाइड बैंड पास होता है जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं ऑल्सो, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर बैंड पास फिल्टर, फर्स्ट ऑर्डर बैंड पास, एंड दिस नैरो बैंड पास इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर. तो अभी इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वाइड बैंड पास के ऊपर, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे दैट इज नैरो बैंड पास फिल्टर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाइड बैंड पास. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हम हर फिल्टर में सबसे पहले करते हैं, दैट इज द सर्किट डायग्राम, कि इसका सर्किट कैसे बनेगा. सो अगर मैं बैंड पास फिल्टर की बात कर रहा हूं तो अभी हमने पढ़ा कि बैंड पास फिल्टर क्या काम करता है, एक लोअर कट ऑफ से हायर कट ऑफ के बीच के सारे सिग्नल को पास ऑन करता है. अब मुझे बताएं अगर आपको याद हो कि लोअर कट ऑफ कौन सा फिल्टर देता था. जी हाँ, लोअर कट ऑफ कौन देता था, हाई पास फिल्टर. एक हाई पास फिल्टर मुझे एक लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी देता है. तो अगर मैं हाई पास फिल्टर की बात करूं तो हाई पास फिल्टर का रिस्पांस कुछ इस तरह से होगा कि एक लोअर कट ऑफ के बाद के सारे सिग्नल को पास ऑन करेगा, लोअर कट ऑफ के बाद के सारे सिग्नल को पास ऑन करेगा. वहीं पे अगर आप बात करें एक लो पास फिल्टर की, क्योंकि मेरे पास आगे क्या है, FH, तो FH क्या होता है, FH के पहले के सारे सिग्नल कौन पास करता है, लो पास फिल्टर, और FH के बाद के सारे सिग्नल को ब्लॉक कर देता है. तो अगर हम बात करें कि ये रेंज हमारे पास आ रही थी, अब इस रेंज में एक पर्टिकुलर हायर कट ऑफ लग गया, तो लो पास फिल्टर क्या काम करेगा, लो पास फिल्टर करेगा कि इस हायर कट ऑफ के बाद के सारे रेंज को ब्लॉक कर देगा. यानी कि अल्टीमेटली पास क्या हुआ, अल्टीमेटली पास हुआ FL और FH के बीच की रेंज, यानी दिस पार्ट इज अल्टीमेटली पास ऑन. दैट मींस जो हमें बैंड चाहिए था वो पास हो गया. तो दैट्स वाई हम सिंपली बोल सकते हैं कि बैंड पास फिल्टर, फर्स्ट ऑर्डर बैंड पास फिल्टर कैसे बनाया गया, फर्स्ट ऑर्डर बैंड पास फिल्टर आपका बना है बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई पास फिल्टर एंड अ लो पास फिल्टर. क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया FH और FL के कॉम्बिनेशन को हम FL प्रोवाइड करने के लिए एक हाई पास लगा देंगे और FH को प्रोवाइड करने के लिए एक लो पास लगा देंगे. सो अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दें तो वी विल गेट अ बैंड पास फिल्टर. सो इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ द सर्किट ऑफ माई बैंड पास फिल्टर, जिसे कि हम फर्स्ट ऑर्डर बैंड पास फिल्टर का सर्किट बनाना चाहते हैं, तो वो भी सिंपल ड्रॉ हो गया. हमें पता है हाई पास फिल्टर का सर्किट, सो हियर इट इज फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर सर्किट, देन फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर सर्किट यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया. Now, इसका जो आउटपुट है हाई पास का आउटपुट डायरेक्टली आपने किसमें कनेक्ट कर दिया, लो पास के इनपुट पे. एंड हियर फॉर डिफरेंशिएट, यहाँ पे सी और आर था तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया R'C', और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आपका R1 RF है तो आप इसको R1' और RF' रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सिंपली R1 RF ले सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू. बट मेनली जो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर बैंड पास पे आता है दिस इज द सर्किट डायग्राम. नाउ जो हमने सेकंड थिंग पढ़ी है फिल्टर के अंदर, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर बैंड पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए वहाँ ट्रांसफर फंक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं देना है. बट फिर भी हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, हमें पता है दिस इज माई फर्स्ट ऑर्डर हाई पास, दिस इज माई फर्स्ट ऑर्डर लो पास. तो अगर मैं लो पास फिल्टर की बात करूँ तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने ड्राइव किया था गेन का, कि वी नॉट बाई वीन इज इक्वल टू AF डिवाइडेड बाई 1 + F/FH होल स्क्वायर अंडर रूट में. तो अब इस मैंने गेन को क्या लिख दिया, नाउ दिस इज AF2 बिकॉज दिस इज सेकंड स्टेज, सो आई हैव रिटन AF2.
सिमिलरली अगर आप हाई पास फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए एफ वन एफ बाई एफ एल डिवाइड बाई रूट ऑफ वन प्लस एफ बाई एफ एल होल स्क्वायर. ये दोनों ही फॉर्मूले हमने फर्स्ट ऑर्डर लो पास और हाई पास में ड्राइव किए थे. अगर आपको नहीं याद आ रहे तो आप वापस उन लेक्चर्स वीडियो को रेफर कर सकते हैं कि फॉर्मूले कैसे आए थे. ओके, सो नाउ व्हाट इज द ओवरऑल गेन. तो यहाँ पे ओवरऑल गेन क्या हो रहा है, बेसिकली कास्केड है. तो कास्केड में क्या होता है, ए वन अगर इस स्टेज का गेन है और ए टू इस स्टेज का गेन है, सो दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई टू कैलकुलेट द ओवरऑल गेन. ठीक, सो यहाँ पे सिंपली आपने ओवरऑल दोनों फॉर्मूले जो यहाँ पे दोनों गेन वैल्यू लिखी है दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट द ए एफ वन डॉट ए एफ टू एफ बाई एफ एल डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ वन प्लस एफ बाई एफ एच होल स्क्वायर डॉट अंडर रूट ऑफ वन प्लस एफ बाई एफ एल होल स्क्वायर. सो दिस पर्टिकुलर गिव्स मी द कंप्लीट गेन इन केस ऑफ बैंड पास फिल्टर. ओके, सो यहां से हम गेन को कैलकुलेट कर सकते हैं. बट द मेन थिंग जो हमारे बैंड पास फिल्टर में अकर होता है, दैट इज द डिजाइनिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द डिजाइनिंग पार्ट. सो डिजाइनिंग पार्ट ही हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि इसका मेन वाइड बैंड पास के ऊपर जनरली क्वेश्चन बनता है. सो लेट्स स्टार्ट दैट क्वेश्चन. सो एज पर दिस क्वेश्चन वी हैव टू डिजाइन अ वाइड बैंड पास फिल्टर. नाउ सी दिस वाइड बैंड पास फिल्टर, वी आर डिजाइनिंग अ फर्स्ट ऑर्डर बैंड पास फिल्टर, वी कैन से वाइड बैंड पास फिल्टर हैविंग FL, एक हमें लोअर कट ऑफ दी गई है और एक हमें हायर कट ऑफ दी गई है FH एंड अ पास बैंड गेन ऑफ 4. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्रीवियस सर्किट की, तो मुझे सर्किट डिजाइन करना है. इस सर्किट के अंदर नाउ आई नीड अ न्यूमेरिकल वैल्यूज. सो अगर मुझे यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है, नाउ व्हाट इज द लोअर कट ऑफ 400 हर्ट्ज एंड हायर कट ऑफ इज, तो यहां के लिए मुझे दिया गया लोअर कट ऑफ इज 400 हर्ट्ज एंड हायर कट ऑफ इज 2 किलो हर्ट्ज. हायर कट ऑफ इज 2 किलो हर्ट्ज. So, I can simply design this high pass filter for a cutoff frequency. If you remember, ki design a high pass filter, design a first order high pass filter having a cutoff frequency 400 Hz. And similarly, design a first order low pass filter having a cutoff frequency 2 kHz. Okay, so we can design in the same way, jaise ki humne pehle design kiya tha. Abhi aage dekhenge. Now, the second thing we have given, what is the total pass band gain? तो टोटल पास बैंड गेन कितना होना चाहिए, पास बैंड गेन हमारा होना चाहिए, पास बैंड गेन इज इक्वल टू 4. अब जैसे कि अभी मैंने बोला था कि दो स्टेज का गेन यहां पे मल्टीप्लाई होता है, A1 इंटू A2 इज इक्वल टू 4. सो नाउ यू कैन सिलेक्ट A1 और A2 एज योर चॉइस. यू कैन सिलेक्ट 1 इंटू 4, वी कैन सिलेक्ट 4 इंटू 1 और वी कैन सिलेक्ट 2 इंटू 2, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4. 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. ओके, सो दैट्स योर चॉइस कि आप क्या यहाँ पे गेन फैक्टर लेते हैं. बट ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है दोनों गेन वैल्यू को, एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करना है. दिस इज द मेन ट्रक्स. ओके, सो इन माय वीडियो आई हैव टेकन एग्जांपल, दैट इज टोटल गेन इज इक्वल टू लो पास गेन मल्टीप्लाई बाय हाई पास गेन, दैट इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4 लो पास गेन मल्टीप्लाई बाय हाई पास गेन. सो आई हैव टेकन बोथ द वैल्यू एज 2 एंड 2. ओके, now firstly we have designed the low pass filter. So for low pass filter we have given FH is equal to 2 kHz. Now as the formula, if you remember, FH is equal to 1 over 2 pi RC, जहां पे हम C को हमेशा क्या करते थे, लेट करते थे 0.01 microfarad. तो वही सेम चीज हमने यहां पे लिखी है, let C is equal to 0.01 microfarad. So by this formula we can calculate the value of R, 1 over 2 pi FH into C. Now, after putting the value of FH and C, we get the value 7.96 kilo ohm. Similarly, we can design our high pass filter. For high pass filter, now we have given FL is equal to 400 Hz. So, if you remember, high pass ke liye bhi hamara same formula lagta tha, FL is equal to 1 over 2 pi RC, jahan pe aapne C ko let karna hai, that is 0.01 microfarad. Then, aapka R calculate ho jayega 1 over 2 pi FL dot C. So from here we get the value of R is equal to 39.8 kilo. After that, now we have two stages gain. So if you remember, what is the gain formula? That is AF is equal to 1 plus RF by R1. So AF is given as 2. So यहाँ पे आप दोनों gain calculate कर सकते हैं. low pass के लिए 1 plus RF by R1, तो low pass का gain भी कितना है 2, that is equal to 1 plus RF by R1. तो यहाँ से आपका relation आ जाएगा RF is equal to R1. So, अब यहां पे क्या करते हैं, R1 को लेट कर लेते हैं 10 किलो ओम. सो RF भी हमारा कितना हो जाएगा 10 किलो ओम. और सिमिलरली क्योंकि हमारा गेन 2 ही है, तो सेम चीज आपकी हाई पास के लिए भी हो जाएगी कि R1 की वैल्यू 10 और RF की वैल्यू भी 10 किलो ओम. नाउ आफ्टर दैट द लास्ट स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द डिजाइनिंग इज द सर्किट.
So you have to make the circuit of band pass filter. So here it is the high pass filter, here it is the low pass filter, और यहाँ पे सारी numerical value जो हमने calculate की है वो हमें यहाँ पे लिख देनी है. Okay? So hope आपको समझ में आ गया होगा कि wide band pass filter, that means first order band pass filter को किस तरह से design करना है, what is the circuit of my band pass filter. So transfer function, center frequency, quality factor, and we have discussed the design problem on how we can design our first order band pass filter. So next lecture में हम लोग बात करेंगे second order band pass filter के लिए, but फिर भी मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलूँगा कि filter all are connected हैं, सभी एक दूसरे से relate करते हैं, कहीं पे low pass आ जाएगा, कहीं पे high pass आ जाएगा, so please अपना previous lectures ना भूलें, ठीक है? उतना ही आपको filter पढ़ने में easy लगेगा, okay? So keep practicing. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू.